बक्सर में सिद्धनाथ घाट के समीप टूटकर गिरे हुए बिजली के खंभे और लटके हुए बिजली के तार को दुरुस्त करने की बात बिजली कंपनी ने कही है। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि बिजली कंपनी के द्वारा लगाया गया पोल टूट गया है। इसके साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि सिद्धनाथ घाट के समीप ही बिजली के तार जो है घर में बांधे हुए हैं। ऐसे में उसे घर से हटाकर उसको बिजली के नए खंभे पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों समस्याओं को जल्द ही दुरुस्त कर लिए जाने की योजना बनाई गई है और इसे महज 2 से 3 दिनों के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। बता दें कि नगर के सिद्धनाथ घाट के समीप एक बिजली का खंभा फरवरी माह से ही टूटकर गिरा हुआ है, जिससे कि बिजली के तार नीचे लटके हुए हैं और आने जाने वाले लोगों के साथ स्थानीय लोगों को भी हमेशा भय बना रह रहा है। सिद्धनाथ घाट के समीप 2 मामले, एक तो एक खंभा गिरा हुआ है फरवरी माह से, दूसरा एक बिजली का तार जो पावर सप्लाई का तार वो निजी घर में बांध दिया गया, तो क्या लगता है कि लापरवाही है ये? आप जो खबर चलाए थे उस खबर की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, मैंने इस पर त्वरित कार्रवाई किए हैं और मैंने संवेदक से बात किया, वो 2-4 दिन के अंदर में वो पोल वहाँ खड़ी हो जाएगी, ये जो व्यवधान है उस व्यवधान को दूर करके सुचारू रूप से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर लेंगे। और जो निजी मकान से उसको भी उस निजी मकान से हटाकर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे तार को, वहाँ भी एक पोल की व्यवस्था करा दी जाएगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।